आईपीएल एक ऐसी लीग है जिसमें रोमांच भी होता है और ड्रामा भी, जिसमें एग्रेशन भी देखा जाता है और इमोशन भी। एक टीम बाकी सभी टीमों से लड़ती है ताकि वो आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी उठा सके। आईपीएल का ये मैच राजस्थान और बेंगलोर के बीच खेला गया। जो भी ये मैच जीतता आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचता। दोनों ही टीमों के टॉप तीन बल्लेबाज ही टीमों के लिए रन बनाते आ रहे थे। आरसीबी बैटिंग करने आई तो उनकी शुरुआत सदी हुई रही। विराट कोहली के आसिफ की गेंद पर एसएसवी जायसवाल को कैच दे बैठे। फिर यहां से रन बनाने की जिम्मेदारी ग्लेन मैक्सवेल और टीम की कप्तान फैब डुप्लेसिस ने की। मैक्सवेल और डुप्लेसिस के बीच बढ़िया साझेदारी हुई। डुप्लेसिस और मैक्सवेल दोनों ने ही अशतकीय पारी खेली, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सका। लेकिन मिचेल बेसवेल और अनुज रावत ने छठे विकेट के लिए बढ़िया साझेदारी की। खास तौर पर अनुज रावत, जिन्होंने 11 गेंदों में ही 29 रन बनाकर आरसीबी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राजस्थान की तरफ से एडम चंपा और केएम आसिफ को दो दो विकेट, तो वहीं संदीप शर्मा को एक विकेट मिला। अब मैच में बारी राजस्थान के बल्लेबाजों की थी। राजस्थान की टीम में कई सितारे थे, श्री जायसवाल, जॉर्ज बटलर और संजू सैमसन। अगर ये तीनों बल्लेबाज चल जाएं तो किसी भी स्कोर को चेज कर सकते थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके और आरसीबी के कहर बरपाते गेंदबाजों के आगे अपने घुटने टेक दिए। टीम के कप्तान संजू सैमसन भी अपनी टीम को नहीं जिता सके। सिमरन हेटमायर ने कोशिश तो की, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आए और पूरी राजस्थान की टीम 59 रनों पर ही ढेर हो गई। आरसीबी की तरफ से सभी गेंदबाजों ने विकेट लिए। व्यान परवेल को 3 विकेट, तो वहीं करण शर्मा और माइकल बेसल को 2-2 विकेट मिले। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।